सो so, अगर मैं आज के चैप्टर की बात करूँ तो ये हमारा क्या है शेप्स एंड डिज़ाइन हम जब क्लास सेकेंड में थे तो उसमें एक हमारा चैप्टर हुआ करता था पैटर्नस ठीक है तो उसमें ऑलरेडी हमें पता है शेप्स के बारे में हम जानते हैं हम देख के पहचान सकते हैं तो आज की जो क्लास होगी वो आपकी इसी से स्टार्ट होने वाली है कि आपको कुछ शेप्स देख के बतानी है देखिए जो ये फर्स्ट आपकी एक्टिविटी दे रखी है इसमें आपको क्या बताना है एक क्लैपर बनाना है ठीक है ये एक्टिविटी हर बच्चा अपने आप से करके देखेगा बहुत इजी है स्टेप्स दे रखे हैं क्लैपर बनाने के नेक्स्ट अब मैंने आपको बोला था ना आप मुझे शेप्स बताएंगे क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल की कौन सी शेप है राइट right. ट्राइंगल कौन सी शेप है ट्राइंगल और ये वाली शेप राइट right. स्क्वायर ठीक है बच्चा और अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूँ कि ये स्क्वायर क्यों है कि भाई मतलब कि क्या चीज़ है कि जो हम बोलते हैं कि हाँ ये स्क्वायर हम पहचान लेते हैं देखो जो इसकी लेंथ होगी ये वाली इसमें देखो कितने छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेज है वन टू थ्री फोर ठीक है कितने स्क्वायर बॉक्सेस हैं फोर और जो ब्रेथ है उसमें कितने स्क्वायर बॉक्सेस है वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे भी कितने हैं फोर हैं जो आपकी स्क्वायर होगी तो इसकी जो लेंथ होगी वो इसके वृत्त के हमेशा क्या होती है इक्वल होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं ठीक है ये एक छोटा सा कंसेप्ट और यहाँ क्लियर करना था कि जो स्क्वायर की लेंथ होगी वो हमेशा उसकी वृत्त के इक्वल होगी लाइक फोर ही ये है फोर ही ये है ये भी फोर ही होगी मतलब हमेशा इसकी जो फोर एजेस हैं वो क्या होंगे चारों के चारों आपकी इक्वल होंगी हमेशा नाउ द नेक्स्ट फिगर इज ये कौन सी फिगर है राइट रेक्टेंगल है इस पर ऑलरेडी नेम लिखा हुआ है और ये हमारी कौन सी फिगर है ये हमारी फिगर है सर्कल ये हमारी कौन सी फिगर है ये हमारी फिगर है सर्कल नाउ तो आप देखो अब आप आपकी जो ये है बुक है टेक्स्ट बुक है इसमें ना आपको एक एक्टिविटी दे रखी है बेसिकली आपको ना कलर करने ट्राइंगल में स्क्वायर में रेक्टेंगल में और सर्कल में तो अब देखिए सबसे पहले ना हम ट्राइंगल को कलर करते हैं तो मैंने ब्लैक ही ले लिया है मैं सिर्फ रेड लिखूंगी ट्राइंगल के लिए जो ट्राइंगल होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे सिंबल दैट इज़ ओनली टी पहचानिए फटाफट से वीडियो पोस्ट करके आप भी फटाफट से कीजिए अपने बुक के अंदर ट्राइंगल ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल एंड दिस वन इज ऑल्सो ट्राई एंगल ट्राइंगल हो गया अब हमें क्या करना स्क्वायर के लिए क्या लेना है येलो कलर सो वी सेलेक्ट द येलो। आप देखिए स्क्वायर वन टू दो स्क्वायर हो गए हमारे पास में और पहचानिए स्क्वायर। राइट दिस इज आल्सो स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है ठीक है फिर उसके बाद में हम आते हैं रेक्टेंगल पे ये वाला है रेक्टेंगल ब्लू ठीक है बच्चा ये वाला है रेक्टेंगल ये वाला है रेक्टेंगल ये वाला है रेक्टेंगल, ये वाला है रेक्टेंगल। और ये वाला है क्या हमारे पास है रेक्टेंगल अब देखो सर्कल के लिए मैं ब्लैक ही चूज़ करूंगी बिकॉज आई डोंट हैव ग्रीन कलर ठीक है बच्चा सर्कल ये भी सारे सर्कल ये भी सब क्या है सर्कल क्योंकि शेप्स आपको पता है यू कैन इजीली क्लियर ऑल दोज थिंग्स डन एंड दिस वन इज आल्सो सर्कल तो अब देखिए अभी आपका जब कलरफुल हो जाएगा तो ये आपका पिक्चर ना कुछ ऐसा नजर आएगा बच्चों ठीक है अब नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या करना है इस फिगर में ना हमें काउंट करना है बेसिकली कि हमारे पास में कितने ट्राइंगल्स हैं तो इसको है ना काउंट करने का हमारे पास में तरीका होता है कि जो पहले वन वन ट्राइंगल होते हैं ना हम हमेशा वो काउंट करते हैं जैसे इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हमने काउंट कर लिया तो हमारे पास में कितने हैं हमारे वन वन वाले ट्राइंगल वो लिख देंगे यहाँ पे दैट इज़ एट अब टू टू हमने करके हमने ट्रायंगल काउंट करके देखेंगे कि जब दो ट्रायंगल से एक बड़ा ट्रायंगल बनता हो जैसे लाइक दैट नाइन टेन इलेवन और ये ट्वेल्व तो कितने आए हमारे पास में फोर ट्रायंगल ऐसे है जिससे एक बड़ा ट्रायंगल बनता है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे ट्वेल्व अब नेक्स्ट फिगर पे चलता है फिर पहले हम वन वन वाले ट्रायंगल काउंट करेंगे फिर हम टू टू वाले काउंट करेंगे ठीक है बच्चा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ठीक है बेटा तो ये हमारे पास वन वन वाले यहाँ पे कितने ट्रायंगल आ गए एट अब मैं ना ये टू टू वाले ट्रायंगल काउंट करती हूँ लेट मी चेंज द क्लर ऑफ माई मार्कर है ना ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो वन टू थ्री एंड लाइक फोर फोर तो ये हो गए और देखो एक बच्चा ये वाला ट्राएंगल भी बचता है हमारे पास में देट इज़ फाइव तो इसमें टोटल हमारे पास में इस वाली फिगर में कितने ट्राएंगल हो गए टोटल हमारे पास में दैट इज़ द आंसर इज़ थर्टीन अब इस वाले को काउट करते लास्ट वाले को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन तो हमारे पास क्या चोटु -चोटु है छोटू छोटू वाला ट्रैंगल है ठीक है नाइन क्या है हमारे पास ये छोटे वाली ट्रैंगल है आप देखते हैं दो ट्रायंगल से कोई ट्रैंगल बन रहा है यहाँ पे सोचो हम नहीं बन रहा तो इसको ऐसे बनाते हैं अब चार ट्रायंगल की हेल्प से भाई यहाँ पे एक ट्रैंगल बन रहा है वन टू ठीक है थ्री एक बार इसको देखो दोबारा करते हैं वन बन गया हमारे पास में टू ट्राइंगल बन गया हमारे पास में फोर ट्राइंगल की हेल्प से और एक हमारे पास बच्चा ये सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल तो हमारे पास इस वाली फिगर में कितने हो गए टोटल ट्राइंगल फैल हो गए ये ट्राइंगल आप लोग एक बार अपने आप से भी काउंट करेंगे ठीक है बच्चा समझें कि कैसे काउंट करते हैं पहले सबसे पहले वन वन वाले काउंट करेंगे फिर अगर टू ट्राइंगल से कोई ट्राइंगल बनता है तो वो काउंट करते हैं फिर थ्री ट्राइंगल से कोई बनता है तो वो काउंट करेंगे और फिर जब फोर से बनेगा तो उसको काउंट करेंगे डन नाउ नेक्स्ट अब देखो इस वाली उसमें हमें क्या करना है इसमें हमें ना बिगेस्ट रेक्टेंगल काउंट करना है इन द गिवन फिगर कि भाई हमारा जो बिगेस्ट रेक्टेंगल है वो कौन से से बनता है आप देखो ये आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है बेसिकली अब ये हमें काउंट करना है क्या कि हमारे पास में क्या बोलते हैं कि फिगर्स uh, में कि कौन सा हमारे पास सबसे बड़ा है तो अब सबसे बड़ा रेक्टेंगल हम कैसे पता लगाएंगे ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेज है ना हम इसको काउंट करेंगे जिस वाले रेक्टेंगल में स्क्वायर बॉक्सेज सबसे ज़्यादा होंगे वो हमारे पास सबसे बड़ा रेक्टेंगल होगा अब देखो सबसे पहले ना पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बना लेते हैं कौन कौन सा बड़ा हो सकता है एक तो ये इन्होंने बना ही रखा है एक देखो ये वाला भी मैं बना लेती हूँ मुझे एक लगता है कि भाई ये वाला भी बड़ा हो ही सकता है ये वाला यहाँ पे से इसकी ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी ऊपर वाले में काउंट करूंगी ठीक है मेरे साथ काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व राइट ट्वेल्व रेक्टेंगल हैं इस वाले रो में ठीक है अब हम क्या करते हैं कॉलम काउंट करते हैं कितने कॉलम है वन टू थ्री तो अगर मैं 12 को थ्री से मल्टीप्लाई करूँ बच्चा तो मेरे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स किस में जो बड़े वाले रेक्टेंगल में तो ठीक है इसमें तो थर्टी सिक्स आ गए छोटे छोटे स्क्वायर्स अब मुझे इसको भी काउंट करना है क्योंकि मुझे तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है भाई ये हो तो इसको देखते हैं इसमें देखो इसमें कितने कॉलम्स वन टू थ्री थ्री कॉलम्स है, है रोज़ को काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कैम्प भाई मेरे पास रोज हैं तो इसमें कितना हुआ सिर्फ तो सी बात है बच्चा जो फिफ्टीन है वो आपका क्या है छोटा है थर्टी सिक्स तो हमारा सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल कौन सा हो जाएगा बताओ कौन सा हो जाएगा बच्चा हमारा सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा फिर ये वाला क्योंकि इसमें कितने थे थर्टी सिक्स थे छोटे छोटे स्क्वायर्स अब देखो नेक्स्ट फिगर देखो अब हमें इस वाले भी पता लगाना है कि क्या बोलते हैं कि क्या हो, देखो इस वाली उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगी क्योंकि इसमें ना स्क्वायर्स कंप्लीट नहीं है सो आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस एज फुल ठीक है तो इसलिए मैं इसको अभी कंसीडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें ना आपको पूरे प्रॉपर स्क्वायर्स नहीं पता लग रहे हैं देखो एक तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है हमारा क्या हो सकता है सबसे बड़ा रेक्टेंगल दूसरा मुझे लगता है कि भाई मेरा ये वाला हो सकता है सबसे बड़ा रेक्टेंगल और एक अगर मैं थर्ड वन की बात करूँ तो उसको के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती तो हूँ अदरवाइज ना बहुत वो हो जाएगा ना कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बना दिया ये वाला ठीक है तो हम ना बारी बारी काउंट करेंगे तो सबसे पहले हम इसका काउंट करने जा रहे हैं तो काउंट करते हैं इसकी देखो कॉलम्स कितने हैं वन टू एंड थ्री थ्री कॉलम्स आप रोज़ काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन कितनी थी भाई रोज़ तो इसमें ट्वेंटी वन आए अब हम ये वाला काउंट करते हैं ये वाला रेक्टेंगल ठीक है इसकी पहले रोज़ काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब कॉलम काउंट करेंगे इसका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन दैट इज़ थर्टी फाइव हो जाएगा भाई आपका अब उसके बाद में जो मेरे पास में लास्ट रेक्टेंगल बच जाता है ये वाला जो मैंने रेड से ही किया था इसके लिए मैं येलो मार्कर यूज़ कर लेती हूँ कि ये वाला इस वाले रेक्टेंगल को काउंट करके देखते हैं तो इसमें देखो पहले कॉलम्स काउंट कर रहे हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव और रोज़ काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है बच्चा तो रोज़ हमारे पास कितनी आ गई सिक्स दैट इज़ थर्टी तो अब आप बताओ सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा हुआ राइट right. कि मैम जिसमें थर्टी फाइव हैं और थर्टी फाइव हमारे कौन से में थे दोबारा मार्कर चेंज कर लेते हैं इस वाले में ये वाला जो है ठीक है ये वाला जो है हमारा इसमें थे समझे तो हमें क्या करना है पॉसिबल नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स बनाने हैं फिर काउंट करना है उनके रोज एंड कॉलम्स फिर मल्टीप्लाई करना है फिर बताना कि कौन सा हमारा सबसे बड़ा रेक्टेंगल है ठीक है बच्चा आई होप आपको समझ में आया होगा अगर कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा अब ये नेक्स्ट इसमें देखो इसमें ना ये आपको दोनों को अपने आप से करना है बस ये ना मैं पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाने में आपकी हेल्प कर देती हूँ कि कौन कौन सा हो सकता है कि एक तो हो सकता है ये वाला ठीक है दूसरा हो सकता है बच्चा हमारे पास में ये वाला जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल हो सकता है इसके अंदर ठीक है अब ऐसे ही इसके अंदर आता है इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं जो सबसे बड़े हैं एक तो ये वाला ये क्या करेंगे आप लोगों के लिए होमवर्क है यू कैन डू इट योर सेल्फ ठीक है एट योर होम या ये वाला दो और या ये वाला तीन ठीक है तो ये क्या हो सकते हैं आपके पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स सबसे बड़े सो so, अब देखो अभी लास्ट क्या है नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है एजिज एंड कॉर्नर्स अब देखिए इसमें क्या बोल रखा है मीता एंड हर फाइव फ्रेंड्स फॉर प्लेइंग एट अ गेम मीता और उसके फाइव फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं आपके लिए गेम खेल रहे हैं टिंकू वॉस ब्लाइंड फोनडिन एंड आज टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड वाइज द अदर्स मूव फ्राइन द टेबल ये जो टिंकू है भाई इसको क्या रका, कर रखा है ब्लाइंड फोल्डेड यानी आँख पे बट्टी बांध रखी है और बोल रहे हैं कि भाई आपको ना मतलब इधर मतलब आपके जब तक ये क्लैप करेगा तब तक आपको क्या करना है टेबल के मूव द मूवमेंट टिंकू स्टॉप क्लैपिंग कि जिस मूवमेंट पर क्या करेगा टिंकू ने क्लैप करनी छोड़ दी ताली बजानी छोड़ दी एवरी वुड स्टॉप वेयर दे आर कि सब खड़े हो जाएंगे जहाँ पे वो थे द चाइल्ड हु इज ऐट द कॉर्नर जो चाइल्ड कॉर्नर पे होगा वुड बी आउट वो आउट हो जाएगा एंड देन शी विल बी ब्लाइंड फोल्ड कि वो जो भी बच्चा होगा लड़का या लड़की वो ब्लाउंड ब्लाइंड फोल्ड हो जाएगा अब देखो ये मीता है ये राजू है ये छोटू है ये गुड्डू है ये बंटी और ये टिंकू है टिंकू तो सबको वो कर रहा है अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉर्नर्स होते हैं बच्चा बेसिकली अब देखो ये होते हैं कॉर्नर्स जिसे हम वर्टेक्सिस भी बोलते हैं वन कॉर्नर टू कॉर्नर थ्री कॉर्नर एंड फोर कॉर्नर ठीक है अब इसको समझाने के लिए मैंने ना थोड़ा सा आपके लिए इमेजेस इंक्लूड किया है वर्ड एक्सेस या कॉर्नर ठीक है जो ये हमारे ये हैं इसको क्या बोलते हैं बोलेंगे या कॉर्नर अब ये बेसिकली होता क्या है आर द प्लेसेस वेयर थ्री और मोर एजेस मीट कि ये प्लेसेस होते हैं कि जहां पे हमारी बेसिकली एजेस मीट होती हैं कि अगर मैं अपने स्क्वायर की बात करूं यहां पे थ्री और मतलब बेसिकली आपका क्या होना चाहिए कि वेयर एजेस मीट अगर मैं अपनी टू डी फिगर्स की बात भी करूँ तो क्या होगा जहाँ पे एजेस मीट होंगी जैसे ये मेरा रेक्टेंगल है तो यहाँ पे देखो इसका वन कॉर्नर टू कॉर्नर थ्री कॉर्नर और फोर कॉर्नर तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास में फोर कॉर्नर हो जाएंगे ठीक है जो ये हमारी लास्ट वाली फिगर होगी इसके को क्या बोलते हैं कॉर्नर या फिर वर्ट जैसे वन टू थ्री फोर इसमें हमें कितने नज़र आ रहे हैं फाइव सिक्स एंड सेवन हमें इसमें क्या नज़र आ रहे हैं इस फिगर में सेवन कॉर्नर्स आई होप आपको कॉर्नर समझ में आया होगा कि कॉर्नर को या तो वर्टिसेस बोलते हैं या फिर कॉर्नर ही बोलते हैं और नेक्स्ट अब एज किसे बोलते हैं एज बोलते हैं एज आर द लाइन सेगमेंट्स लाइन सेगमेंट्स होते हैं बाई एज जो हमारे फेसेस पे होते हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन इसमें कितने हैं? हमारे अभी हमें कितने एजेस नज़र आ रहे हैं नाइन और अगर ऐसे ही मैं बात करूँ हमारा ट्राइंगल की तो मुझे इसमें कितने एजेस नज़र आएंगे बताओ जल्दी से वन टू एंड थ्री तो ट्राइंगल में कितनी एजेस हुए थ्री समझ गए एजेस क्या होते हैं ये जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं एजेस और बच्चा फेस क्या होता है बेसिकली आपका कि जो एक हमारा प्लेन सरफेस होता है ठीक है जो शेप का आपका सरफेस होता है बेसिकली आपको समझना था अच्छे से एजिज एजेस क्या होती है हमारी लाइन सेगमेंट्स जो हमारे किसको बनाती है जो हमारी जो शेप होती है उसको बनाते हैं और वर्टेक्सिस क्या होते हैं कि जहाँ पे हमारी या तो दो लाइन सेगमेंट मिल जाए या फिर तीन लाइन सेगमेंट मिल जाए वो क्या होगी हमारी वर्टेसिस होगी मतलब यहाँ पे हमारी दो एजेस मिल जाए या दो से ज़्यादा एजेस मिल जाए वो हमारी क्या हो जाएंगे वर्टेसिस कॉर्नर्स आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा तो ठीक है अब जो कॉर्नर पे आएगा वही आउट हो जाएगा अब देखो ये वाला चीज़ हमने आपको समझ ली थी अब इसमें भी देखो आपको एज भी अच्छे से नज़र आ रही है फेस भी और वर्टेक्स भी है ना इस वाले फिगर में भी अगर मैं इसके वर्टेक्स काउंट करूं तो कितने होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट है ना एट है ना इसके वटेस राइट right. और एजेस काउंट करने लगूं तो वन टू मेरे साथ आप भी काउंट कीजिए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट तो एजिस कितने इस फिगर के ट्वेल्व ठीक है अगर फेस की बात करूँ तो वन ये नीचे सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फाइव और ये सिक्स हमारा लास्ट वन जो ये पीछे नज़र आ रहा है नेक्स्ट आ जाइए अब इसमें पूछा था लुकिंग एट द पिक्चर गिवन बिलो कैन यू टेल हु इज़ आउट जो आपको आ, पिक्चर दे रखी थी अब आप, आप बता सकते हो इसमें से कौन आउट होगा तो बताओ कॉर्नर पे कौन है राइट right. मीता है कॉर्नर पे बंटी है कॉर्नर पे नहीं मीता देखो कॉर्नर से थोड़ी सी इस साइड है तो बेसिकली जो हमारा ये है ना छोटू है ये है कॉर्नर पे वरना राजा भी इस साइड है मीता भी इस साइड है बंटी भी थोड़ा सा कॉर्नर से इस साइड है अगर हम ठीक है पर ये जो छोटू है ये हमारा बिल्कुल कॉर्नर पे है तो क्या होगा हमारा छोटू आउट होगा वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग गुड्डू कहाँ खड़ा है आप गुड्डू को ढूंढते हैं भाई गुड्डू कहाँ खड़ा है गुड्डू कहाँ खड़ा है इसको क्या बताया था मैंने कि जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है वो क्या होती है राइट right, एज होती है मैम तो गुड्डू कहां खड़ा है बच्चा एज पे खड़ा है गुड्डू कहां खड़ा हमारा? गुड्डू खड़ा हमारा एज पे कैन दिस गेम कैन बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल अब बताओ क्या कि ये क्या गेम ये राउंड टेबल uh, के साथ में खेला जा सकता है बताओ आप मुझे सोच के देखो बेसिकली इसमें आपके गेम्स पे क्या था गेम के अंदर क्या था कि जो भी आपका क्या होगा कि जो कॉर्नर पे आएगा जो वर्टेसिस पे आएगा वो आउट हो जाएगा पर अगर मैं राउंड की बात करूं तो इसमें तो बेटा वर्टेक्सिस होते ही नहीं है कॉर्नर नजर ही नहीं आ रहे मुझे है ना कहीं पे भी दो राउंड जो हमारी दो लाइन सेगमेंट है वो मीट ही नहीं करती तो क्या होता है हमारे पास वर्टेसिस होते ही नहीं है नेक्स्ट अदर थिंग्स है अब इन्होंने क्या बात की ना कुछ चीज़ें हमारे पास में ऐसी भी होती है जिसके क्या होते हैं कर्ड एजिस पहले रुको पहले ये वाला रह गया था छूट गया था बच्चे इसको भी कवर कर लेते हैं स्ट्रेट एजेस की बात की गई है कि जिसके एजेस स्ट्रेट हों तो देखिए हमें इसकी बुक की एज स्ट्रेट है ये वाली एज भी स्ट्रेट है ये भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है ना चेयर की भी एज स्ट्रेट है भाई देखो सारी की सारी एंड दिस वन इज काइट काइट की भी एज क्या है हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेट है।, है इसको भी देख लो इसको भी देख लो डन तो ये क्या हमारी स्ट्रेट एजेस हैं जो हमारी सीधी लाइन सेगमेंट से बन जाए और कुछ बोला है कि भाई हमारे पास में कुछ होते हैं हमारी कर्व एजेस जैसे ये देखो ये कि कर्व है ना इसमें कर्व क्या होता है बेसिकली इसको हम कर्व बोल देते हैं ना तो इसकी क्या है कर्व एजेस है जैसे व्हील की है अब इसमें बोलना है लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाइंग थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस कि जिनके भाई स्ट्रेट एजेस भी हों एजेस के साथ साथ अब देखो मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया एक ही हमारी पेंसिल देखो इसकी स्ट्रेट एजेस भी है है ना स्ट्रेट एजेस पर देखो साथ ही साथ में क्या इसका कर्व एजेस भी है राइट पेंसिल लिख सकते हैं वहाँ एग्जाम्पल में और दूसरा एग्जाम्पल देखो स्टिक इसकी क्या स्ट्रेट एज भी है और क्या कर्व एज भी है डन अब फिर दोबारा से चलते हैं वहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन अभी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है नेक्स्ट डू डू द थिंग्स विच स्ट्रेट एजिज हैव कॉर्नर्स अब वो बताने कि जिनका स्ट्रेट एजेस थे कॉर्नर के साथ में तो हम ये तो यहाँ से बता ही सकते हैं देख के है ना बुक हो गया हमारा काइट हो गया तो ये वहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल क्योंकि ये अभी अभी हमने किए ना स्ट्रेट एजिस एंड ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स विच हैव सॉरी यहाँ पे क्या था स्ट्रेट एजिस हैव कॉर्नर्स फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा मैंने गलत रीड किया था फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉरी एक क्वेश्चन ही स्किप कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाइंग थिंग्स दैट विद स्ट्रेट एंड करव एजेस तो वो हमने ढूंढ ली थी पेंसिल जो स्ट्रेट एजेस थी और वो भी थी कि यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कुछ स्ट्रेट मतलब यहाँ पे हमें अलग अलग नाम बताने थे कि जो स्ट्रेट एजेस जैसे यहाँ पे हम बुक बता सकते हैं कि ये है ना आपने देखा ना अपना लास्ट स्लाइड में कि बुक चेयर या फिर ये आपकी काइट और कर वेजेस में हम बता सकते हैं कि व्हील बता सकते हैं प्लेट बता सकते हैं मतलब यहाँ पे हमें अलग अलग बताना है यहाँ पे हमें दोनों सिमिलर नहीं बताने कि दोनों ही हों नेक्स्ट में हमें सिर्फ स्ट्रेटेज बताना है कि हम स्ट्रेटेजिस में फिर वही एग्जाम्पल लिख देंगे है ना बुक और हमारा काइट और यहाँ पे फिर कर में दोबारा आ जाएगा हमारा व्हील आ जाएगा प्लेट आ जाएगा या कोई हमारा बो, सर्कुलर बॉक्स आ सकता है ना और फिर लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि जिसकी दोनों हों स्ट्रेट एजेस भी हों और करवेजेस भी हों तो वहाँ ये वाला एग्जाम्पल जाएगा लाइक पेंसिल की इसकी स्ट्रेट एजेस भी, भी थी भी और करवेज भी थी लाइक होक की स्टिक की इसकी स्ट्रेट एजेस भी थी और इसकी कारवेज भी थी ठीक है अब ये वाली एक्टिविटी देखो आपको करनी है टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर काउंटेड कॉर्नर इसके कॉर्नर्स काउंट करने हैं फाइंड आउट एंड फोल्डेड कॉर्नर्स अब देखो कॉर्नर्स आपको पता है अब आपको ये अपने आप करनी है एक्टिविटी ये वाली मैं करके दिखाती हूँ हाउ मेरी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ अब ये इसके कितने कॉर्नर है कॉर्नर काउंट करो कॉर्नर आपको पता था ना जहाँ पे क्या कहते हैं हमारी दो एजेस मिलेंगी या दो से ज़्यादा एजेस मिलेंगी तो अब देखो यहाँ पे कितने कॉर्नर्स है वन क्योंकि यहाँ पे भी ये वाली और ये वाली एज मिल रही है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो इसके हमारे पास में सिक्स अभी जो राइट right नाउ है हमारे पास में हाउ मैनी कॉर्नर्स अब इसके कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे अगर इसके दो कॉर्नर फोल्ड कर दें अब अगर इसका ये वाला कॉर्नर भी बच्चा फोल्ड कर दो तो इसके कितने हो जाएंगे फिर आपको ये बताना अब ये वाला क्या हो गया हमारा पोर्शन क्या हो गया बिल्कुल ही चला गया अब सिर्फ हमारे पास में ये वाला ऐसे दो कॉर्नर इसके फोल्ड कर दें मैं एक बार चेंज कर लेती हूँ मार्कर का कलर अब देखो अब इसके कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट अब इसके कितने हो गए एट हो गए ठीक है तो ऐसे ही आप थर्ड को भी फोल्ड कर देंगे और फिर फोर्थ को भी ये क्या करेंगे आप अपने आप से करेंगे इस एक्टिविटी को ओके बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू टोल्ड फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट ओनली थ्री कॉर्नर्स अब इस पेपर को आपको बेसिकली फोल्ड करना है कि इसके सिर्फ तीन ही वे आपको नज़र आए ठीक है अब अगर मैं इसकी फिगर बनाऊँ तो लाइक like, ऐसे था ये पेपर फोल्ड होने के बाद में अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे जैसे डॉटेड लाइन से फोल्ड करूंगी तो ये क्या होगा इसका बेसिकली कि इसमें आ जाएगा इस वाली शेप में बन जाएगा ये ठीक है तो अब आप देखोगे इसके कितने कॉर्नर्स बनेंगे वन टू और थ्री थ्री ही कॉर्नर्स बन जाएंगे बस क्योंकि क्या हो जाएगा आपका ट्राइंगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा पेपर नेक्स्ट ये आपका आज का लास्ट पार्ट रहेगा वीडियो का अब आपको क्या बताना है कि वेदर इट हैज कॉर्नर स्किन के कॉर्नर्स हैं या नहीं है सबसे पहले तो मुझे ये बता दो डाई के कॉर्नर हैं यस उन्होंने लिख दिया नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी डाई की देखो डाई बेसिकली ऐसी नजर आती है पर अगर मैं इसको बिल्कुल वो दिखाऊं क्योंकि इसमें देखो आपको पीछे का हिस्सा नहीं नजर आ रहा इसलिए मैंने ये वाली फिगर चूज करी ये आपकी डाई है अब इसकी नंबर ऑफ एजेस काउंट करो जल्दी से एजेस पता है ना आपको जहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड द लास्ट वन इज़ ट्वेल्व तो हम क्या लिख देंगे वहाँ पे जाके हम क्या लिख देंगे डाई की कितने ही थी नंबर ऑफ एजेस ट्वेल्व अब बॉल की बात कर रहे हैं पहले आप बॉल को देखो बॉल बॉल में आपको कई कॉर्नर नज़र आ रहा है नो no. तो क्या लिख देंगे हम बॉल में हमारा कॉर्नर है ही नहीं तो कॉर्नर नहीं है तो नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स भी नहीं होंगे पर नंबर ऑफ एजेस ठीक है अब देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था एक चीज़ आपको पीछे ले चलते हैं कि कुछ की स्ट्रेट एजेस होती हैं कुछ की हमारी एजेस होते हैं तो ये हमारी बॉल है इसकी एज कैसी है देखो बॉल को कैसी है इसकी एज राइट कि मैम कर्व एज है तो एज कितनी है इसकी वन ही थर्ड हमारा इरेजर जो हमारी इरेजर होगी बच्चा वो कुछ इस शेप की होती है है ना तो पहले इसके क्या करेंगे हम कॉर्नर्स काउंट करेंगे करो काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो कितने कॉर्नर्स हुए हमारा इसके लिख दो यहाँ पे फटाफट से इरेजर्स के एट तो कॉर्नर्स थे ना इसके यहाँ पे यस करो राइट right? अब नंबर ऑफ एजेस काउंट करेंगे इसके दोबारा से मार्कर चेंज कर लेते हैं इजी रहेगा ताकि हमें कॉर्नर्स और रेजिस में मिक्स ना हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व है ना बच्चा कितने हैं इसके भी हमारे पास में आ गए ट्वेल्थ तो इसको भी हम क्या भर देंगे अपनी शीट में जाके भर देंगे लाइक like ट्वेल्थ अब एग की बात हो रही है अब एग देखूँ Egg की आपको कॉर्नर नज़र आ रही है नो no. और एज कैसी है एग की राइट मैम कि करवी एज है उसकी ठीक है तो इसको भी जाके हम क्या करते हैं फिल कॉर्नर्स हैं नो नंबर ऑफ एजेस क्या है वन और कॉर्नर्स का तो नंबर है ही नहीं फिर लास्ट है आपका शीट ऑफ पेपर अब देखो ये है आपकी शीट ऑफ पेपर ठीक है बच्चा अभी शीट ऑफ पेपर का बताओ मुझे कॉर्नर हैं राइट वन टू थ्री एंड फोर कितने हैं कॉर्नर्स हमारे पास में इसका एपसी राइट right बच्चा कि हमारे पास में इसके हैं फोर कॉर्नर्स तो यस yes. और इसके नंबर ऑफ एजेस की बात करते हैं आज ये पेपर पे दोबारा से एजेस ठीक है वन टू थ्री एंड फोर तो कितने हो गए पेपर के हमारे नंबर ऑफ एजेस राइट फोर तो आज हमने क्या क्या सीखा शेप से हमने स्टार्ट किया फिर उसके बाद में आज हमने सीखा कि एजेस क्या होते हैं एजेस क्या होते हैं कि जो स्ट्रेट लाइंस जो हमारे इसको जो हमारी जोमेट्रिकल शेप्स होती है उनको बनाती हैं फिर हमने सीखा कॉर्नर्स की जहाँ पे हमारी दो एजेस मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं कॉर्नर्स है ना बच्चों फिर हमने कर्व एज के बारे में सुना कि जैसे ये एग है हमारी इसकी कार वेज है और इसकी हमारी क्या है जैसे स्ट्रेट एज है तो आज के वीडियो में हमने बेसिकली ये सब चीज़ें सीखी हैं तो अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके होम के लिए है इसको आपको क्या करना है कि इन द गिवन फिंगर्स टिक विच हैव कॉर्नर्स वो आपको करने हैं जिन फिगर्स को टिक करना जिनके बेसिकली कॉर्नर्स हैं ठीक है ये आप अपना होमवर्क करेंगे ये मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाली हूँ यूजिंग द स्ट्रेट लाइन्स कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच है स्नो कॉर्नर स्ट्रेट लाइन से आपको ऐसी फिगर बनानी है कि जो कॉर्नर जिसका कॉर्नर ना हो ये भी आप एक बार ट्राई आउट कीजिएगा जब आपसे नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि बन सकता है या नहीं बन सकता पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई आउट दीज टू क्वेश्चन योर सेल्फ डन एक तो ये करना था अपने आप और एक आपको आज का क्वेश्चन मतलब मैंने दो काम तो ये हो गए और एक आपको दिया था मैंने रुको मैं आपको दिखा देती हूँ फिर कि ये वाला जो था जिसमें मैंने पॉसिबल नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल बनाए थे कि कौन से बड़े बड़े हो सकते हैं एक तो ये आपको कंप्लीट करना था ठीक है so, सो बच्चों आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ